योगा के महत्व को समझ रहे हैं या इन दो सालों के एक लंबे समय में किस तरह से लोगों ने योगा का महत्व समझा? जी सागर। देखिए मुस्कान, सबसे पहले आपको बता दूं कि जिम तो बंद रहे और तमाम खेल कूद के मैदान भी बंद रहे, लेकिन लोगों ने योगा करना नहीं छोड़ा। क्योंकि आपको बता दूं कि जो योग की प्रणाली है वो काफ़ी सैकड़ों हज़ारों साल पुरानी है, ये अभी के ज़माने से नहीं है, ये ऋषि मुनियों के ज़माने से योगा चला आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, कोरोना काल में सबसे एक बड़ी चीज़ थी इम्यून सिस्टम, और इम्यून सिस्टम अगर आपका बढ़ेगा तो योग से, क्योंकि योग जो होता है कि पूरे शरीर को चुस्त दुरुस्त रखता है, स्वस्थ रखता है। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर आप कोरोना से लड़ना चाहते हैं तो आपको इम्यून सिस्टम अपना बढ़ाना पड़ेगा, और इम्यून सिस्टम के लिए सबसे बेहतर तरीका, अगर देखा जाए सबसे कारगर तरीका, योगा ही साबित हुआ। हर उस वर्ग के व्यक्ति ने योगा किया, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, सब ने योगा को अपनाया, सब ने अपनी लाइफ स्टाइल में योगा को रखा। क्योंकि कुछ सालों पहले की बात बता दूं मुस्कान, कि योगा जो है लोगों की लाइफ स्टाइल में सम्मिलित नहीं था, लोग इसे बहुत कम जानते थे, बहुत कम लोग करते थे, लेकिन आज का युवा पूरी तरह से योग करने को तैयार है। वो जानता है कि योग करने से उसे इम्यून सिस्टम बनेगा, उसका शरीर स्वस्थ रहेगा और वो निरोग रहेगा। जी चलिए, अब आपको हमारे संवाददाता विभांशु के पास ले चलते हैं, जो इस वक्त लखनऊ के रजत पीजी कॉलेज के बाहर मौजूद है। तो विभांशु, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम कहीं ना कहीं पूरे विश्व में दिखाई दे रही है, तो इस वक्त जहाँ आप मौजूद है वहां का नजारा कैसा आपको देखने को मिल रहा है? जी विभांशु। विभांशु, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी मुस्कान, इस वक्त मैं एक निजी स्कूल में हूँ, जहाँ आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि हर एक वर्ग के लोग योगा कर रहे हैं। योगा कहीं ना कहीं जो शरीर के लिए है वो बेहद अनमोल चीज है। वही मुस्कान, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की तरफ से जब 2014 में संयुक्त राष्ट्र में रखा गया प्रस्ताव की एक दिन रहे जो की योगा डे के तौर पर अपनाया जाए, तो प्रधानमंत्री मोदी के अथक प्रयासों के बाद 2014 में प्रस्ताव दिया गया, जिसका आपको बताएं कि 2015 में अमेरिका इसको मंजूरी देता है, और आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का 8वां है। और वहीं आपको बताएं कि भारत में अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री अपने मन की बात के संबोधन में उन्होंने कहा था कि इस बार का जो योगा होगा वो ह्यूमैनिटी के होगा, यानी कि इस बार का जो भारत योगा मना रहा है वो मानवता के लिए मना रहा है। जो भी लोग, आपने देखा कि जब कोरोना की त्रासदी आती है तो जो भी लोग इसमें अपनी जान गंवाते हैं उनको याद करते हुए और साथ ही साथ उनको श्रद्धांजलि देते हुए इस बार का योगा मनाया जा रहा है। और तस्वीरों आप देख सकती है कि यहाँ हर वर्ग के लोग, चाहे बात की जाए बच्चा या बात की जाए बुजुर्ग, हर व्यक्ति, हर एक वर्ग के व्यक्ति यहाँ योगा कर रहा है, और योगा कहीं ना कहीं शरीर के लिए एक बेहद लाभ देता है। वहीं आपको बताएं कि तमाम बीमारियों से भी आपको निजात दिलाता है। जी मुस्कान। जी चलिए, अब सागर के पास हम आपको ले चलते हैं। सागर, अगर देखा जाए तो हर साल जो योगा दिवस है वो किसी न किसी थीम के साथ मनाया जाता है, तो इस बार के योगा दिवस की थीम क्या है? जी सागर। देखिए, इस बार योगा दिवस की थीम जो है पूरी तरह से सीएम योगी और आनंदीबेन पटेल है, उन्होंने रखी है कि करिए रोग रहिए निरोग। साफ तौर पे अगर कहें सीएम योगी की बात, तो वो सुबह 6 बजे यहाँ पर मौजूद थे और अपने मंत्रिमंडल के साथ मौजूद थे। उन्होंने यहाँ पर योगा की शुरुआत कर दी है, और माननीय महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रही हैं, क्योंकि राज्यपाल राजभवन के अंदर योगा का कार्यक्रम पूरी तरह से सम्पन्न हो रहा है, और सैकड़ों की संख्या में जो छात्र हैं, चाहे बुजुर्ग हों, उसके अलावा भी तमाम जो प्रशासन के आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और योग कार्यक्रम अभी तक संपन्न हो रहा है। और कहीं ना कहीं पूरे देश को, पूरे विश्व को एक संदेश आता है भारत की तरफ से कि आप रोज योग अगर करेंगे तो आप कहीं ना कहीं आप एकदम स्वस्थ रहेंगे और पूरी तरह से एकदम निरोग रहेंगे। जी मुस्कान। विभांशु, अगर देखा जाए तो इस वक्त आप एक ऐसी जगह पे मौजूद है जहाँ पर बच्चे से लेके बूढ़े तक, हर एक एज का जो युवा है, जो बुजुर्ग है, वो योगा करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर 2 साल के बाद एक ऐसा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, तो किस तरह से आप इसको देखते हैं? जी मुस्कान, कहीं ना कहीं अगर देखें तो कोविड के बाद से अब 2 साल का जो एक तरह से देखा जाए तो तमाम जो फेस्टिवल थे या फिर जो भी दिन हुआ करते थे वो उसमें बेड़ियां लगी थी, अब वो बेड़ियां से मुक्त हो चुका है। अब लोग, आप देख सकती हैं तस्वीरों में कि खुले आसमान के नीचे बैठकर अब योगा डे को मना रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं योगा के महत्व को लेकर, वो क्या कहेंगे। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बता दें और योगा को लेकर क्या कहेंगे आप? मैं डॉक्टर राजेश ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का चेयरमैन हूँ,
और बड़ा सौभाग्य है प्राइम गेमिंग के दर्शकों के लिए। बहुत शुभकामनाएं कि आज पूरा विश्व, विशेषकर हमारा पूरा देश अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को बड़े ही उत्सुकता के साथ मना रहा है। यही क्रम अगर रहा और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है 8 वर्षों से कि हमारा देश जब योग करके निरोग हो जाएगा तो जो छोटी मोटी बीमारियां होती वो अपने आप दूर रहेंगी, हमारा देश स्वस्थ रहेगा। कोरोना काल में बहुत सारी मौतें हो गई थी जिनके बीच में इम्यूनिटी नहीं थी, जिनके शरीर कमजोर थे। इसी थीम को बनाते हुए अब की बार योग दिवस को इस रूप में हमारे स्टूडेंट्स रेजल्ट ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के लगभग हजारों स्टूडेंट्स आज हमारे सभी कॉलेजेस के कैंपस में मना रहे हैं। निश्चित रूप से ये स्टूडेंट्स और हम लोग, चाहे वो किसी भी उम्र के लोग हों, योग करने से हम स्वस्थ होंगे, हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी और हमारा भारत जो है स्वस्थ होगा, मजबूत होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो शाख आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाई है उसके लिए हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। निश्चित रूप से विश्व के पटल पे आज भारत का नाम लिया जाता है। कोई एक समय था कि जब इन सब चीजों का प्रचलन बहुत कम सीमित दायरे में होता था, लेकिन आज गली गली मोहल्ले हर कॉलेजेस में हर जगह पे बड़ी उत्सुकता से लोग योग दिवस को मना रहे हैं और स्वेच्छा से मना रहे हैं, खुशी से मना रहे हैं। इसके लिए हम समस्त भारतवासियों को रजत ग्रुप ऑफ कॉलेज की तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं। अच्छा सर, हमें ये बताएं इस बार का जो योगा है, इस बार का जो 8वां योगा डे मनाया जा रहा है, इसे प्रधानमंत्री अपने मन की बात संबोधन में उनकी तरफ से कहा गया कि ये मानवता का योगा होगा और कोविड काल में जो लोग अपनी जान गंवा दिए उनको याद करते हुए मानवता का योगा आज अपना देश और विश्व मना रहा है, क्या कहेंगे इस पे आप? माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है वो हमारे राष्ट्र के कण कण में, राष्ट्रवाद के लिए कण कण में समाया हुआ है। हम उन कोरोना पीरियड में जिनकी मौत हो गई, जो जिंदा नहीं रहे, जो आज हमारे बीच नहीं है, उनको याद करते हुए आज हम मानवता का संदेश देना चाहते हैं कि हम एक एक भारतवासी को स्वस्थ रखें, उसको दीर्घायु बनाएं और उसका मूल आधार दीर्घायु होने का है कि हम योग करें, योग विद्या सीखें और सुबह शाम समय निकाल करके अपने शरीर को कुछ समय जरूर दें। ये प्रधानमंत्री जी का ही सपना है। जी मुस्कान, तो आपने सुना कि योगा से कहीं ना कहीं जो तमाम बीमारियां होती हैं उससे इजात मिले, उससे हमें राहत मिलती है, वहीं जो शरीर होता है उसमें स्फूर्ति बढ़ती है। उसी क्रम में हमारे साथ योगा के प्रशिक्षु हैं, इनसे बात करेंगे जो यहाँ प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिनके द्वारा यहाँ योगा का चीजें बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहले आप अपना नाम बता दें और हमें ये बताएं कि आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योगा डे है, क्या कहेंगे लोगों के लिए और कौन सा योगा शरीर के लिए क्या लाभ देता है, हमें बताएं। मेरा नाम हरिकांत मिश्रा है। योग से शरीर स्वस्थ रहता है। योग यानी जो वैदिक काल से ही चला आ रहा है। कोरोना काल में सबसे ज्यादा लोगों को परेशानी हुई, लोग दवा खा रहे हैं लेकिन आराम नहीं हो रहा है, तो उनका इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं हो रहा है, तो उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए योग ने जो स्कूल का किया है वो किसी से छुपा नहीं है। आज योग भारत के कण कण में ही नहीं, देश विदेश में भी लोग योग से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जी अगर बात की जाए तो तमाम योग अभ्यास होते हैं जिसको किया जाता है, प्रमुख अगर बात की जाए तो कौन कौन से हैं, उससे करने से क्या लाभ मिलता है? अनुलोम विलोम करने से हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वो स्ट्रांग होती है। चक्रासन करने से हमारा स्पाइनल कॉर्ड मजबूत होता है। पश्चिमोत्तासन करने से हमारा बैकबोन जो रिजिड रहता है वो फ्लेक्सिबल रहता है और उसमें पेन नहीं होता है। ऐसे ही बहुत से आसन हैं जिनको करने से बहुत फायदे होते हैं। मेडिटेशन हो गया, प्राणायाम हो गया। प्राणायाम इसलिए जरूरी होता है, जो बच्चे पढ़ने में ध्यान नहीं लगाते उनके लिए होता है। 2-3 मिनट, 4 मिनट धीरे धीरे ऐसे बढ़ाते हैं, उनका जो है कंसंट्रेशन पढ़ाई में बढ़ता जाता है। तो बहुत जरूरी है योगा एक लाइफ के लिए, अच्छी लाइफ के लिए। तो मुस्कान, आपने सुना कि तमाम तरह की उन्होंने योगा बताया जिससे जो शरीर के अनेक अंग होते हैं, चाहे बात की जाए पढ़ाई में एकाग्रता को लेकर, चाहे बात की जाए इम्यूनिटी को लेकर, तो हर एक चीजों का इलाज, हर एक बीमारियों का इलाज हम योगा से कर सकते हैं। जय मुस्कान।
विभांशु, अगर ये भी देखा जाए तो अभी आपने जो रजत गर्ल्स जो पीजी कॉलेज है उसके प्रिंसिपल से बात की, और कहीं ना कहीं जो वहाँ पर योगा के जो शिक्षक मौजूद थे, जो लोगों को योगा की जानकारी दे रहे थे, तो जो लोगों को योगा के बारे में बता रहे थे, आपने उनसे भी बात की, लेकिन पीछे अगर हम देख सकते हैं तो आपके पीछे बच्चे भी मौजूद है, तो आप उनसे योगा का महत्व पूछे कि आखिर योगा का महत्व क्या है और उनके जीवन में योगा ने कितना कुछ महत्वपूर्ण रोल अदा किया है उनके जीवन को फिट रखने के लिए। जी मुस्कान, बात करते हैं। अच्छा, हम ये बता जान राष्ट्रीय योगा डे है, आप योगा करने आए हैं, क्या कहेंगे आठवां अंतर्राष्ट्रीय योगा डे पे? आज अंतर्राष्ट्रीय योगा डे है, योगा करने से आपके शरीर में क्या लाभ मिल रहा है और योगा डे पे आप क्या कहेंगे? तो इसी क्रम में हम कुछ और लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि योगा को लेकर मुस्कान उनका क्या कहना है। तो आप सबसे पहले अपना नाम बता दें और हमें ये बताएं कि आज आठवां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, इस पे आप क्या कहेंगे? मेरा नाम सुनिधि यादव है और योगा हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हमारे बॉडी को नियंत्रित करता है और उसे एक लेवल में लाता है, जो हमारे शरीर का मोटापा होता है, जो हमारे शरीर का फैट होता है सब घटता है और हम फिट रहते हैं। हम जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनके बावजूद भी हमारे शरीर में वो ताकत रहती है जो हम बचपन में और जो मतलब एज के 18 एज में होती है, हम योगा करें तो हमारी ये कितनी एज घटती जाएगी उतनी हमारा, अगर योग करने से हमारा फैट घटेगा और बढ़ेगा। क्या आप प्रतिदिन योगा करती हैं? अच्छा, मॉर्निंग में बस ये कि थोड़ा मोड़ा कर लेती हूँ, टाइम मिलता है रेगुलर हो नहीं पाता है। क्या पढ़ाई में, जैसे अभी मैं आपके शिष्य से बात कर रहा था, उनकी तरफ से कहा गया कि पढ़ाई में भी प्राणायाम जो होता है उससे लाभ मिलता है, तो क्या लाभ मिलता है आपके? आप प्राणायाम करती हैं? एक जो प्राणायाम योगा होता है जिसमें नाक से हवा लेते हैं और छोड़ते हैं, उससे पढ़ाई में एकाग्रता आती है, तो हमारे मन को नियंत्रण करता है, जो हमारे माइंड में फालतू चीजें चलती रहती है वो हमारे माइंड को निकालता है और हमें बहुत अच्छे से माइंड को डिस्टर्ब जो करता है वो अच्छे से हमारे माइंड से निकल जाता है और हम पढ़ने में अच्छे से मन लगा कर पढ़ते हैं और हमारा माइंड उसके ऊपर कॉन्सेंट होता है। जी मुस्कान, कहीं ना कहीं जो कहा जाए तो योगा करने से, जो अभी मैं एक बालिका से बात करूंगा, साफ तौर से कहना है कि योगा से कहीं ना कहीं एकाग्रता आती है और साथ ही शरीर में स्फूर्ति आती है। जी मुस्कान। विभांशु, अभी कुछ बच्चों से हमने ये भी सुना कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि योगा से ही होगा, और अगर देखा जाए तो योगा कहीं ना कहीं हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है, तो योगा ने क्या कुछ लोगों के जीवन को परिवर्तित करने का काम किया और किस तरह से लोगों के जीवन को योगा ने बदला है? जी मुस्कान, अगर बात की जाए तो जो योगा है वो भारत से ही निकला है, यहाँ के ऋषि मुनि योगा किया करते थे, साथ ही साथ विदेशों में इसका खास प्रचलन हो गया, और वहीं अगर देखा जाए तो भारत समेत आज विश्व भर में योगा मनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो योगा दिवस है वो अपनी भारत से ही उसे पहचान मिली है, और अगर बात करें तो तमाम आज देश योगा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें भारत का जो पहचान है वो देखने को मिल रहा है। वहीं अगर देखें तो योगा का जो रहा है वो प्राचीन समय से भारत से ही निकला है, और प्रधानमंत्री की पहल के बाद योगा को विश्व पटल पे पहचान मिली। 2015 में अमेरिका के जब इस पे प्रस्ताव पे जब वो स्वीकार करता है तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को 21 जून को मनाया जाता है, यानी कि 2015 21 जून से योगा दिवस की शुरुआत होती है। वहीं अगर बात की जाए तो 25 दिसंबर के बाद आज का जो दिन होता है वो एक जो टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो जो उजाले का समय है वो 25 दिसंबर के बाद 21 जून को ही होता है। जी मुस्कान, जो है वो काफी लंबा होता है, आज का दिन 25 के बाद आज 21 जून ऐसा दिन होता है जो सबसे लंबा होता है, तो आखिर क्या कुछ कनेक्शन है इन दोनों दिन का कि योग जो दिवस है वो आज ही के दिन मनाया जाता है? जी आपको बता दें कि आज के दिन को प्रधानमंत्री की तरफ से और योग गुरु जो कि भारत में बड़े प्रचलित हैं बाबा रामदेव, उनकी तरफ से इस दिन का चयन किया गया था, और साथ ही साथ आपको बताएं कि आज के दिवस को जब चुना गया तो पहली बार 2015 में 21 जून को योगा मनाया गया, साथ ही साथ उसमें विश्व भर में मनाया गया। आज अगर देखें तो भारत के समेत जो तमाम देश है वो भी योगा मना रहे। वहीं अगर बात करें तो कश्मीर से लेकर और कन्या
कन्याकुमारी तक आज योगा मना रहा है। वहीं आपने देखा कि प्रधानमंत्री योगा करते हुए दिखे। वहीं आपको बताएं कि तमाम जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेशों के, उनकी तरफ से योगा अभ्यास का किया जा रहा है। वहीं अगर बात करें राजधानी लखनऊ में, तो राजधानी लखनऊ के राजभवन में मुख्यमंत्री समेत जो तमाम मंत्रीगण है उनकी तरफ से योगा किया गया। साथ ही साथ जो उच्च अधिकारी है, चाहे बात की जाए प्रमुख सचिव अवनीश कुमार अवस्थी, चाहे बात की जाए सूचना सलाह जो प्रसार मंत्री नवनीत आयुक्त नवनीत सहगल और तमाम जो जिम्मेदार है उनकी तरफ से योगाभ्यास किया जाए। वहीं अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ की, तो राजधानी लखनऊ में विभिन्न जगहों पर आज योग अभ्यास का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें विभिन्न अतिथि सम्मिलित हो रहे हैं। और साथ ही साथ आज बात की जाए तो प्रदेश समेत आज देश भर योगा मना रहा है। जी मुस्कान विभांशु, अभी आप इस वक्त रजत गर्ल्स रजत पीजी कॉलेज में मौजूद है, तो वहाँ का एक बार हम चाहेंगे कि आप एक बार वहाँ की तस्वीरें हमको और दिखा, हमारे दर्शक देखे, और जो दर्शक अभी भी योगा के प्रति जागरूक नहीं है उनको भी हम अपनी तस्वीरों से जागरूक करने का काम करें। जी मुस्कान, आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि अब योगा जो है यहाँ खत्म हो चुका है, और जो सूर्यास्त होता है, सूर्योदय होता है, तो योगा का सबसे बढ़िया जो समय होता है वो सूर्योदय होता है। उसी क्रम में मुस्कान हम कुछ और लोगों से बात करना चाहेंगे और जानेंगे कि योगा को लेकर उनका क्या कहना है। अच्छा, ये हमें बताएं कि आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योगा डे है, तो क्या कहेंगे योगा को लेकर, योगा कहाँ तक शरीर को लाभ पहुँचाता है? अच्छा, क्या आप रेगुलर योगा करते हैं? तो मुस्कान, आपने तस्वीरों में देखा कि इनका साफ तौर पे कहना है कि योगा अब प्रतिदिन नहीं करते हैं लेकिन करेंगे, तो कहीं ना कहीं योगा का जो क्रेज है वो भारत के अंदर में बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ अगर देखें तो तमाम योगाभ्यास है, चाहे बात की जाए शरीर के व्यायाम करने की तमाम विधियां हैं, उसमें से अगर देखें तो सबसे उत्तम और सबसे प्राचीन योगा ही है। जी पांचों का देखा जाए तो जिस तरह से 2 साल में लोग जो है वो कहीं ना कहीं कुछ फिजिकल वर्कआउट नहीं कर पा रहे थे उसमें, लेकिन योगा एक ऐसा एक यंत्र बन के निकला जिसने कहीं ना कहीं लोगों के जीवन बदलने का काम किया, और लोगों को मेंटली भी स्टेबल सिर्फ योगा नहीं कोरोना काल में रखा है। जी मुस्कान, कहीं ना कहीं योगा से शरीर के साथ साथ मन की भी शांति होती है। वहीं अगर बात करें तो एकाग्रता को लेकर, आपने देखा कि अभी जो योगाभ्यास यहाँ सिखा रहे थे उनकी तरफ से कहा गया कि प्राणायाम जो योगा होता है जिसमें सांस से अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, उससे कहीं ना कहीं दिमाग रिलैक्स होता है, साथ ही साथ एकाग्रता बढ़ती है। तो योगा जो है वो कहीं ना कहीं देखे तो अगर प्राचीन है, साथ ही साथ निरोग बनाने का एक बहुत बड़ा ये योगा की तरफ से, अगर योगा करने वाले व्यक्ति को देखें तो वो बीमार नहीं पड़ता है। और साथ ही साथ आपने देखा कि जब प्राचीन समय में लोग लंबे समय तक अपना जीवन काल रखते थे, चाहे बात की जाए तो सैकड़ों की जो शतक पूरा करते थे, 100 साल के होते थे, तो कहीं ना कहीं जो प्राचीन लोग थे वो योगा करते थे, और हमारी पिछली जो पीढ़ी है योगा को लेकर कहीं ना कहीं उससे उसका दिमाग हट चुका था। और प्रधानमंत्री की प्रयास के बाद एक बार फिर अब योगा अपनी पहचान बना रहा है, साथ ही साथ विश्व पटल में पहचान बना रहा है, और कहीं ना कहीं इसमें भारत का नाम भी हो रहा है। और वहीं अगर बात देखें तो योगा करने का जो लोगों का प्रतिशत है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली है जब से अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की शुभारंभ हुई है। जी मुस्कान जी, धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़कर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए। तो आज पूरा विश्व जो है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बेहद ही धूमधाम के साथ मना रहा है। जो एक तरफ बीते 2 सालों में कोरोना की वजह से जो योग है वो लोग सार्वजनिक तौर पर नहीं मना पा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ रही है, जिस तरह से कोरोना धीमा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो लोग वापस अपनी दिनचर्या में लौट रहे हैं। और यही वजह रही कि 2 साल बाद इस बार लोग एक बार फिर खुले आसमान के नीचे लोगों की भारी भीड़ के बीच कोरोना को भूलते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हुए नजर आए। इस दौरान ये खास तौर पर ध्यान रखा गया कि लोग कोरोना की जो भी गाइडलाइंस है उसका भी जरूर पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खुले आसमान के नीचे इस बार लोग जो है वो योगा करते हुए नजर आए हैं। आपने तस्वीरें भी देखी कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ द्वारा पहले तो लोगों को योगा के प्रति जागरूक करने का काम किया गया, फिर इस दौरान वो स्वयं ही योगा करते हुए नजर आए। पिछले कुछ सालों में योगा के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी है। आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में लोग खुद को स्वस्थ और तनाव मुक्त रखने के लिए योगा करते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कानपुर से हमारे संवाददाता उपेंद्र स्थान है। उपेंद्र,
देखा जाए तो कोरोना के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी है, और अब लोग इस अपनी हेक्टिक दिनचर्या के बीच खुद को तनाव से दूर रखने के लिए योग का इस्तेमाल जरूर करते हैं। जी उपेंद्र, योग दिवस मनाया जा रहा है, उसको लेकर देखा जाए तो कानपुर में जो इंडस्ट्रियल एरिया लगता है कानपुर, उसके बाद यहाँ पर जो है आस पास जो है प्रदूषण देखा है तो काफी यहाँ पे है, और जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ से चिमनी निकला है, धुआं जो है यहाँ पे लोग ले काफी जो है नुकसानदेह है। उसके बाद जो आज योगा की बात अगर कही जाए तो कानपुर सबसे ज्यादा पेशेंट जो है डायबिटीज के हैं, उसका बीपी और अस्थमा के पेशेंट इतने पाए जा रहे हैं, जो की देखा है तो लोग यहाँ योगा तो खूब करते हैं पर देखा जाए तो उस लेवल के लोग यहाँ पे योगा नहीं करते, जो जैसे मजदूर टाइप के कैटेगरी के लोग जो है यहाँ पे कानपुर में वो योगा इस टाइप के लोग नहीं करते यहाँ पे। जी उपेंद्र, अगर देखा जाए तो उस वक्त आप एक ऐसे जगह पे मौजूद है जहाँ पर लोग योगा करते हुए नजर आ रहे हैं, तो आप उनसे बातचीत करिए और उनसे योगा का महत्व जानिए कि 2 सालों में जब कोरोना था तब योगा ने उनको किस तरह से मदद की। जी हाँ बिल्कुल, आपको पता चले जिस जगह मैं खड़ा हूँ किरवई नगर गीता पार्क पड़ता है ये, और यहाँ पर मेरे साथ जो है कुछ ऐसी महिलाएं खड़ी हैं जो सुबह से लगा लगभग जो है क्या कहते हैं कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा और ये जो महिला संगठन जो है उनके द्वारा यहाँ पर जो है एक कार्यक्रम योग दिवस का जो आयोजित किया गया था, और बताते हैं आपसे उनसे पूछते हैं क्या नाम है आपका। हेमा जी ये बताइए जो योग को लेकर के 2015 के बाद से जो सरकार इतनी एक्टिव हुई है, लोगों को जगाया है नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री और उसका योगी आदित्यनाथ ने जो जगाया योग के लिए, उसका आप कहना चाहेंगे? इससे पहले भी लोग योग के बारे में नहीं जानते थे। नहीं जानते थे, हाँ ये एक कारण तो रहा, लेकिन जब से ये कोविड आया है तब से जागरूकता बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और योग करने से हमारा शरीर हमेशा निरोगी रहता है, और योग हमेशा बराबर करते रहना चाहिए, शुद्ध हवा मिलती है और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो ये यहाँ पर गीता पार्क में जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कार्यक्रम कराया, तो हमारा ये कार्यक्रम गीता पार्क में के लिए और अखिल भारतीय महिला शक्ति संघ के माध्यम से संयुक्त रूप से यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है, और आगे भी हम इसी तरह से करते रहेंगे। कहते हैं कि करो योग और रहो हीरो। क्या नाम है आपका? अंजू जी, बताइए जो आज योग दिवस है, इस योग दिवस को लेकर के जो है सरकार लोगों को इतना सक्रिय जागरूक कर रही है, और आपका जो एनजीओ है वो किस माध्यम से लोगों को जागरूक किया योगा में? हमारे यहाँ अखिल भारतीय महिला शक्ति संघ और केडीए के माध्यम से सभी को योगा कराने ये बताया गया कि जैसे ही योग करेंगे वैसे ही निरोग रहेंगे, तो योग करना बहुत जरूरी है, और योग करने से ही बहुत सारी बीमारियों में लाभ मिलता है, इसलिए सभी को योग करना चाहिए। आइए हमारे सब कुछ युवा लड़के हैं जो उनसे पूछते हैं कि जो देखा जाए तो वो लड़के जो यहाँ पे अभी योगा करने आए थे, क्या नाम है बेटा आपका? वंश। वंश क्या नाम है? वंश जो है योगा लेकर तुम कब से जागरूक हुए हो? मैं जब क्लास 6 में था तब से जागरूक। आप क्या रूटीन में डेली योगा करते हो? आपको बताते चले कि अपना कैमरामैन जीतू से कहना चाहूंगा, आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो है इस ग्राउंड में जो बना, आपको बताते हैं जो जिम है यहाँ पे जो है युवाओं के लिए जो है एक मतलब जिम बनाई गई है, और जो जिम है वो जिम जो है इसमें देखिए आप देखिए पूरी तरीके से पूरा पार्क में जो युवा जिम बना हुआ है पूरी तरीके से जिम बना हुआ है, और इसमें जो बच्चे हैं नए उम्र के बच्चे जो हैं वो लगातार जो है इसमें जिम कर रहे हैं, और आपको बताते चले उसके बाद देखिए आपको कि इसमें जो योग दिवस है उसको लेकर ये लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, लोग लगातार बिल्कुल जिम में बिल्कुल पूरी तरीके से मुस्तैद है, और आप ऐसे जो कानपुर में आज जो है योग दिवस जो कार्यक्रम किया गया है उस कार्यक्रम में जो है देखा है तो कानपुर के डीएम महापौर मेयर और उसके बाद जो है आला अधिकारी जो है इस योग दिवस पर बराबर योगदान रहा उनका। उपेंद्र, का देखा जाए तो हर साल योग दिवस जो है वो 2015 से बेहद ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, और कहीं ना कहीं 8 साल के एक लंबे सफर के दौरान योग ने लोगों को जागरूक करने का काम किया, तो इस बार किस थीम के साथ लोग योग दिवस मना रहे हैं, क्या थीम है इस बार योग दिवस की? जी आप अगर देखा जाए तो अभी पिछले साल जो कोरोना की महामारी और फिर इसका मंकी पॉक्स जो बीमारी बढ़ती चली जा रही है उसको कहीं ना कहीं लेकर लोगों डर लेकर ऐसा लगता था, पर नहीं, लोग प्रधानमंत्री जी के और मुख्यमंत्री जी के जो विचार थे उनको देखते हुए जो योग है वो बराबर लगातार निरंतर जो है वो योग जो है करते चले आ रहे हैं, और रूटीन में प्लान बना लिया उसको, और इस दिवस को लोग बड़े उत्साह से मना रहे हैं योग दिवस को, और कानपुर के हर पार्क में हर चौराहे पे योग दिवस का कार्यक्रम जो है किया जा रहा है। उपेंद्र, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं योग की जो नींव है वो भारत से ही पड़ी है, और देखा जाए तो इतिहास भी कहीं ना कहीं योग का साक्ष है, कि इतिहास में कहीं ना कहीं योग का जिक्र जरूर होता है, तो किस तरह से देखते हैं आप इसे?
जी हाँ बिल्कुल, आप बता सकते हैं पहले 2015 के बाद से, 21 जून 2015 के बाद से जो है योग का क्रेज जितना इंडिया में था, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने उसके बाद से उन्होंने योग को देखा जाता है आस्था के साथ और लोग जो है योग करने लगे हैं, और इस योग को जो योग दिवस मनाया जा रहा है वो पूरे इंडिया में जो है बिल्कुल इसको देखा जाए तो बिल्कुल त्यौहार तरीके से पूरा मनाया जा रहा है। और लोगों का साफ कहना है कि जो हमने उनसे पूछा भी यहाँ पे लोगों से कि जो आप योग क्यों करते हो, तो उनका साफ कहना है कि मुझे भी कुछ दिन पहले जो अस्थमा की बीमारी थी, इस योग से जो है मुझे अस्थमा की जो है वो नॉर्मल हुआ, मेरा बीपी नॉर्मल हुआ, डायबिटीज नॉर्मल हुआ है। और देखा जाए तो कानपुर में जो इतना पॉल्यूशन है उसको देखते हुए लोगों के लिए योग जो है काफी जरूरी है। उपेंद्र का देखा जाए तो पीएम मोदी की पहल से कहीं ना कहीं जो योग है वो विश्व पटल पर पहुंच चुका है, तो किस तरह से अंत जो फॉरेन कंट्रीज है वहां पर किस तरह से योगा को मनाया गया या किस तरह से योगा मनाया जाता है वहां पर? जी अगर देखा जाए तो जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके जो आज जो 21 जून जो है जो मनाया जा रहा है योगा योग दिवस मनाया जा रहा है, उसके बाद जो है जो बाहर की कंट्रियां हैं, जो बाहर के देश हैं वो इंडिया को देखते देखते उन लोगों ने कई देश जो हैं जो ऐसा है वो योग दिवस मना रहे हैं, इसलिए उसको इंटरनेशनल योग दिवस कह सकते हैं। उपेंद्र अगर ये देखा जाए तो योग कहीं ना कहीं जो मन की एकाग्रता में भी बेहद ही महत्वपूर्ण रोल निभाता हुआ नजर आता है, तो योग किस तरह से बच्चों के जीवन पर प्रभाव डालता हुआ दिख रहा है? जी यहाँ पे अगर भी मैंने बच्चों से युवाओं से बात की है तो उनका साफ कहना है कि अब ये जो उनके पेरेंट्स थे वो योग करते थे, उनको देखते देखते जो है बच्चे जो है वो रूटीन में योग करने लगे यहाँ पे, और बच्चों को साफ कहना है कि योग से करने से मुझे जो मेरी बॉडी है वो उसका स्टैमिना जो है वो और स्ट्रांग होते जा रहा है, और आगे किसी लेवल के कॉम्पिटिशन की अगर तैयारी में बैठेंगे तो उनके लिए फायदेमंद है। उपेंद्र इस वक्त जहाँ आप मौजूद है क्या वहाँ पर कोई युवा या कोई बुजुर्ग योग करता हुआ नजर आ रहा है, तो आप उनकी तस्वीरें हमको दिखाएं। जी हाँ बिल्कुल आपको दिखाते हैं कि जो हमारे जस्ट बगल में जिम चल रहा है, हम प्रजीत कैमरा से बोलेंगे कि देखिए ये बुजुर्ग हैं और पूरी तरीके से जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं, बच्चे जो हैं वो देखिए पूरी तरीके से जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं, और इसके बाद देखा जाए कहीं ना कहीं तो उसके बाद ये जो योग दिवस आज कानपुर में मनाया जा रहा है उसका एक अलग ही उत्साह है, जिसमें कानपुर की जो मेयर है और उसका आज देखा जाए तो कानपुर में कोई भी सेंट्रल मिनिस्टर या कोई मंत्री जो है वो आज योग दिवस से किसी भी कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुआ है कानपुर में। क्या कुछ वजह रही जो कोई भी नेता है वो इस कार्यक्रम में नहीं शिरकत करने पहुंचा? जी अगर बताया तो आपको कानपुर में धारा 144 लागू है, जफर आजमी वाले जो कांड था कानपुर हिंसा कांड को लेकर के जो है कानपुर के डीएम और कमिश्नर ने इस वीआईपी को जो है पूरी तरीके से रोक लगा दी थी, इसलिए उत्तर प्रदेश के सारे जिलों में जो है कहीं ना कहीं सेंट्रल मिनिस्टर है, कहीं राज्य मंत्री है, कहीं ना कहीं कार्यक्रम में सब पहुंच रहे हैं, पर कानपुर ऐसा जिला है जहाँ पे कोई भी किसी तरीके से मंत्री नहीं पहुंचा है। यानी साफ तौर पर ये कहा जाए कि कानपुर में जो हिंसा हुई थी उसका कहीं ना कहीं असर योग दिवस पर भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जी जी उपेंद्र धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से लखनऊ और कानपुर में योग दिवस बेहद ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जहां एक तरफ योग ने लोगों को जागरूक करने का काम किया तो कोरोना काल में कहीं ना कहीं जो लोगों का मन विचलित था उसको एकाग्र करने का भी काम योग ने बेहद ही बखूबी निभाया है। यही वजह है कि योग अब काफी लोकप्रिय, युवाओं और बुजुर्ग हर एक तबके के बीच जो योग है वो लोकप्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। साल 2015 से इस दिन की शुरुआत हुई थी और आज साल 2022 है, यानी कि एक लंबे सफर में योगा ने एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है जो कहीं ना कहीं हर एक तबके के बीच लोकप्रिय बनके निकला है। 8 साल के इस लंबे समय के बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो अब विश्व पटल पर पूरी तरह से पहुंच चुका है। वहीं अगर बात करी जाए तो योगा पर तो योगा को लेकर जो सेना पे भर्ती जो जवान है, जो बॉर्डर पर तैनात जवान है, वो भी आज योग दिवस के मौके पर योग करते हुए नजर आए और सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें भी साझा की गई है, जिसको आप भी साफ तौर पर देखकर इंस्पायर हो सकते हैं कि जब वो बॉर्डर पर तैनात होकर योगा कर रहे हैं तो हम आखिर अपने घरों के बाहर निकलकर योगा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि योग से ही होगा। साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि जब भी कोई बीमारी होती है तो योग ही एक कारगर इलाज होता है। 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था संयुक्त राष्ट्र में, भारत की पहल पर पूरी दुनिया में लोगों को इस बारे में जागरूक करने के लिए ही इस दिन को मनाया जाता है। वहीं आपको अगर बताते दें कि दरअसल योग दिवस की पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 दिसंबर 2014 को
योग दिवस को मनाने की पहल की थी, जिसके बाद 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र में 177 देशों ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। लेकिन अभी भी कई लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि आखिर 21 जून को ही क्यों योग दिवस मनाया जाता है। तो इसकी एक सबसे बड़ी वजह है कि ये दिन पूरे साल का सबसे लंबा दिन होता है। 21 जून को यानी कि आज के दिन ग्रीष्म संक्रांति के दिन दक्षिणायन होता है। इस दिन सूर्य की रोशनी सबसे ज्यादा पड़ती है, जिसकी वजह से ये साल का लंबा दिन होता है। और यही वजह है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के रूप में चुना गया है। वह इस कार्यक्रम को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए मथुरा से हमारे संवाददाता धनीराम खंडेलवाल जुड़ चुके हैं। धनीराम, आप इस वक्त मौके पर मौजूद है, तो मथुरा से कैसी तस्वीरें योग दिवस के मौके पर निकल के सामने आ रही हैं? जी धनीराम, और इसमें है कि 5 बजे से ही यहाँ लोगों का आना शुरू हो गया था और आते आते इतनी भीड़ इकट्ठी हो, ऐसा लग रहा है कि योग नहीं एक मेला शुरू हो गया है। साथ ही यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा ये मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें एक राजमंत्री भी आए, उन्होंने योगा किया और लोगों को कि योग से हमारी जो काया है वो बिल्कुल निरोग रहेगी और लोगों को योग जरूर करना चाहिए। हमारे साथ में बीपीआरओ मथा किरण चौधरी, आइए इनसे बात करते हैं। जी, योग दिवस है, क्या कहेंगे योग दिवस को लेकर के? संपूर्ण विश्व को हमारे शारीरिक मानसिक विकास के लिए वास्तव में भारत का संस्कार है। भारतीय संस्कार को पूरे विश्व माना है और पूरा विश्व मना भी रहा है। ये हमारे सरकार की सफलता है कि हमने इसको अंतर्राष्ट्रीय हर हर व्यक्ति को भारत या विश्व का सभी योगा करना चाहिए। योगा के जितने भी आसन माने चाहिए, इसे शारीरिक और मानसिक संतुलन बना रहे। योग दिवस को लेकर के और लोगों से क्या कहेंगे? यही कि योग सुबह या शाम दोनों ही समय में हम इसे कर सकते हैं और कितना भी आप काम करते हैं, शारीरिक या मानसिक थकाव हो वो आपका से दूर जाता है। हमारे डॉक्टर तो बड़े बड़े सर्जन हैं, वो भी सर्जरी के बाद अगर 5 मिनट का अनुभव मिलो तो उनको भी प्रसन्नता मिल जाती है, पुनः ताजगी महसूस होती है। तो योग है कि जो हमें स्वस्थ रहने के लिए और बीमारियों के लिए मुख्य महत्वपूर्ण है कि जनमानस को अपने समय निकाल करके हमें करना चाहिए और अपने जीवन का इसको अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए। ये भी हमारे साथ में डीपीआर चौधरी जी, उन्होंने बताया कि योग इंसान जरूर करना चाहिए। और भी हमारे साथ हैं जिन्होंने आज ये कि योगा में भाग लिया, ये सर क्या नाम है सर आपका? जी, जैसे कि योग दिवस मनाया गया है और आप यहाँ जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने योग को बहुत प्रोत्साहन किया है और साथ में बाबा रामदेव परंपरा है हमारे योग क्या करते थे, लेकिन जहाँ तक बात करें योग गुरु बाबा श्री रामदेव जी की, उन्होंने योग बहुत पॉपुलर किया है। जैसे उन्होंने अब दूसरे जन जन तक पहुँचा है। हमारे साथ में और भी युवा है जिन्होंने कि आज इस योग दिवस पर भाग लिया। क्या नाम है आपका? ब्रजमोहन जी। ब्रजमोहन जी, बताएं आज योग दिवस मनाया जा रहा है और आपने यहाँ भाग लिया, क्या कहेंगे? और ये हमारे पूर्वजों से और पहले सनातन धर्म से ही योग बनाया करते हुए आए हैं। जो हमारे ऋषि मुनि थे वो भी योग योग मुद्रा में बैठे रहते थे, तपस्या करते रहते थे। तो सबसे यही मेरी वो है, कामना है कि सभी योग करें निरंतर रूप से 20 मिनट कम से कम सब अपने जीवन का योग के रूप में व्यतीत करें। आज पहले कहीं देखा जाता था गार्डन में या कहीं एक दो आदमी दिखते थे, लेकिन अब आप सुबह निकलिए 10-20 आदमी आपको दिखेंगे रोडों पर योग करते हुए,
तो ये पता लगा है लोगों, लोग समझ रहे हैं योग की महिमा क्या है। बात करते हैं कि आज योग दिवस पर उन्होंने भाग लिया है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा ये लगा स्टेडियम में, इस तारीख को ये योग दिवस मनाया जा रहा है और यही हमारे देश के पहले ये हमसे मिल गया सारा विश्वास कर रहा है, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। प्रधानमंत्री जी और बाबा रामदेव जी महाराज योग को महत्व दिया है, उन्होंने इस उजागर किया, हमारी पहचान है उन्होंने इस तरह को बहुत बार बार धन्यवाद देना चाहते हैं, अपने जिले से पहचान बनाई उन्होंने। मैं बता दूं आपको कि इस योग में मथुरा के नहीं, मथुरा के जनपद के आसपास के गांव के लोग भी इकट्ठे हुए हैं, जिन्होंने आकर के इस योग दिवस में एक स्थान लिया। मेरे मथुरा के पास में ये गांव है तरौली, करीब 20 किलोमीटर दूर है वो, और वहां से भी कुछ लोग स्टेडियम में आए और जिन्होंने आकर के इस योग दिवस में भाग लिया है। आइए जानते हैं इनसे भी क्या है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मूलचंद सिस्पंदिया है। मूलचंद जी, आज योग दिवस मनाया गया है, आप 20 किलोमीटर दूर से यहाँ मथुरा आए हैं और आकर के आपने योग किया है, क्या कहेंगे इस योग को लेकर? हमें अपने आप में बहुत ही गर्व महसूस होता है कि योग जो है बाबा रामदेव जी की देन है और हमारा जो देश है वो शुरू से ही योग के नाम से जो है जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा देश भारत देश जो शुरू से योग गुरु रहा है, आज भी हम योग की तरफ बढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो इस पर विशेष जोर दे रहे हैं, ये भी गौरव की बात है। साथ में मैं आपको बता दूं, देखिए महिला भी यहाँ बात करने के लिए आई है जो कि एक ग्रामीण है और उन्होंने आप देख रहे हैं कि शहरी ना होकर के घूंघट भी लगा रखा है, मान मर्यादा भी अपनी बनाई हुई है और इसके साथ भी उन्होंने आकर के यहाँ योग में भाग लिया है। क्योंकि ये योग भी ऐसा है जो कि एक निरोगी काया रहता है। आइए इनसे जानते हैं कि कहाँ की रहने वाली है आप यहाँ पर आई है योग में शामिल हुई है, क्या इसको लेकर कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। आपने योग किया है? कैसा लगा आपको? काफी साथ में मेरे साथ में महिला है, देखिए इन्होंने भी यहाँ पर आकर के यहाँ सिर्फ ग्राउंड का मेला ऐसा मानेंगे, देखो महिलाओं ने भी इसमें भाग लिया है, क्या कहेंगे आप? कहाँ से आई हैं आप? दाऊदी से आए हैं। पहली बार आपने योग किया है, हमें कैसा लगा आपको? पहले भी कर चुके हैं, पहले बार देखा आपने इस तरीके से यहाँ महिलाओं ने भी इस में भाग लिया और यहाँ एक मेले का रूप दिया गया है। कम से कम 5,000 लोगों की संख्या यहाँ पर रही और जिला प्रशासन के पूरे इंतजाम रहे, साथ ही साथ आयुष विभाग और जिला प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे। उन्होंने आज इस अंतर्राष्ट्रीय लोगों में इस तरह का उत्साह पहली बार जो मिला, हालांकि 8वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है, कोरोना के बाद में लोगों में इसका बहुत ही प्रभाव रहा क्योंकि कोरोना में आपने देखा होगा कि अधिकतर लोगों ने इस योग को अहम अपना दिनचर्या मना और जिसके कारण ही एक कोरोना भगाया जा सका और लोगों को इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए। मैं हमारे साथ तो आपने देखा कि किस तरह से मथुरा में जो लोग हैं वो बेहद ही धूमधाम के साथ योग मना रहे हैं, साथ ही अगर ये भी देखा जाए तो किस तरह से महिलाएं जो है वो पहली बार योग करने पहुंची, जहां उन्होंने एक तरफ अपने मान मर्यादाओं और अपनी परंपराओं का ध्यान रखते हुए साड़ी पहन के बकायदा घूंघट लेके योग करने पहुंची, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी इस जागरूकता को लेकर अब ये एक अच्छी तस्वीर निकल के हमने मथुरा से देखी कि किस तरह से एक महिला जो है वो योग करने पहुंची पहली बार, जो ग्रामीण इलाकों की महिला है वो भी कहीं ना कहीं अब योग के प्रति जागरूक और सतर्क नजर आई। रायबरेली से हमारे संवाददाता अजय प्रताप जुड़ चुके हैं। अजय प्रताप, अगर देखा जाए तो आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरा विश्व मना रहा है, वहीं रायबरेली में भी जरूर ही इस योग दिवस को लेकर धूम देखने को मिल रही होगी, तो क्या कुछ नजारे इस वक्त रायबरेली से निकल के सामने आ रहा है? मैं रायबरेली के भैरव मिशन इंटर कॉलेज में खड़ा हूँ, जिस तरीके से आपको बता दूं कि इस तरीके से छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर योगा जो चल रहा है, योग दिवस मनाया जा रहा है और देख सकते हैं आप जिस तरीके से लोग यहाँ पे योगा कर रहे हैं। बात की है छोटे बच्चे से लेके तक, ये जो
स्कूल विद्यालय है, विद्यालय में टीचर भी हैं और यहाँ पर प्रिंसिपल भी हैं और व्यायाम शिक्षक भी हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यूनिफॉर्म में हैं और उसके बाद जो सिविल्स हैं एक ग्रामीण भी हैं। ये नहीं है कि यहाँ पर जो है विद्यालय का ही छात्र है, क्योंकि ग्रामीण जो यहाँ पर मौजूद है वो भी योगा करने के लिए आए हुए हैं। अच्छा बताओ, हम आपके पीछे देख सकते हैं साफ तौर पर कि जो लोग हैं वो योगा करते हुए नजर आ रहे हैं, तो अगर आप उनसे बातचीत कर पाए तो उनसे बातचीत करिए और उनसे योगा का महत्व जानिए कि किस तरह से योगा ने उनके जीवन को बदलने का काम किया है। जी जी, आप जी हमारे साथ में मौजूद हैं योगा शिक्षक, व्यायाम शिक्षक हैं सुरेश बहादुर सिंह। हम इनसे जानना चाहेंगे कि योगा के धन्यवाद जी, योगा का महत्व हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है और जो मुख्य तीन योगा हैं वो जरूरी हैं। जैसे योगा तो मेन तीन होते ही हैं, प्राणायाम है, योगा योगासन है और ध्यान है। तो हम अपने शरीर योगा शुरू करने से पहले सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए, जिसको वार्म अप कहते हैं। वार्म अप करने से क्या होता है, शरीर थोड़ा हमारा स्वस्थ हो जाता है, उसके बाद प्राणायाम करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। प्रारंभ में सबसे पहले उठ करके थोड़ा सा वार्म अप करके और शुरुआत जो करें व्यायाम की, तो भ्रष्टिका से शुरू करें। भ्रष्टिका से शुरू करेंगे, इससे भ्रष्टिका करने से क्या होता है, जो हमारे शरीर की नसें जाम है, दिक्कत हो रही है, रक्त संचार सही से नहीं हो पाता है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज के दिन जो योगा हो रहा है इसमें कितने लोग हैं, क्या सब स्कूल के ही बच्चे हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्र के भी बच्चे? नहीं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे तो सब तो नहीं आ पाए, क्योंकि सभी जगह आज योगा हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो हर गांव में आज लगभग योग हो रहा है। लेकिन यहाँ पर बच्चे आज आए हुए, अभी गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी, काफी बच्चे बाहर चले गए, घूमने टहलने चले गए, जहाँ पर है सबको संदेश दे रहे हैं, सभी बच्चे अपने अपने स्थान पे योगा कर रहे हैं। और जो बच्चे आज यहाँ एकत्रित हुए हैं वो विद्यालय आए हुए हैं, विद्यालय स्टाफ भी आया हुआ, प्रिंसिपल साहब भी आए हुए हैं, साथ में हमारे साथ के अध्यापक भी सभी हैं और बच्चे हैं, कुछ अभिभावक भी साथ में आए हुए हैं योगा के लिए। एक ही और जाना था योगा दिवस उसके बाद लोग जो है योग क्यों नहीं करते? ये थोड़ा शहरी क्षेत्र में तो नियमित योगा करते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अभी थोड़ी सी जागरूकता की कमी है, जिसको हम लोग अपनी शिक्षा के माध्यम से, अपने बच्चों के माध्यम से हर गांव में, हर घर में जन जन तक ये सूचना पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि योगा से जो हमें लाभ होता है, उसके जो फायदे हैं वो पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब तो लगभग सप्ताह में 3-4 दिन तो योगा हो ही जाता है, चाहे भी किसी काम में, ग्रामीण क्षेत्र में आए दिन कोई ना कोई काम लगा रहता है, कहीं खेती का काम है, किसानी का काम है, तो इस वजह से भले ही चुप हो जाए, बाकी अब गाँव में भी योगा प्रारंभ हो चुका है और ये आज का जो है ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इस वजह से आज सभी लोग योग कर रहे हैं, सभी लोग योगा में शामिल हैं। देखा था ये व्यायाम शिक्षक इस विद्यालय के, इस कॉलेज के, जी आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये योग सिखा रहे हैं। हम यहाँ पर कुछ बच्चियाँ मौजूद हैं, मैं इनसे बात करना चाहूंगा। कहते हैं कि आप देख लीजिए बेटा, क्या नाम है आपका? आप यहाँ योग करने आई हैं, क्या सीखने को मिल रहा है हमें? ठीक है, आपके व्यायाम शिक्षक कौन है? अच्छा, और बताइए यहाँ पर और क्या क्या चीजें सिखाई जाती हैं व्यायाम में, अभी तक में क्या सीखा है? आपने देखा कि जिस तरीके से बच्चे योग करने से शरीर जो है पूरी तरह से स्वस्थ रहता है, बीमारियां दूर हो जाती हैं, और इसी तरीके से सभी लोग यहाँ पर जो व्यायाम करने में लगे हैं, तो कहीं ना कहीं इसको देखा जाए तो अभी जैसे कि व्यायाम शिक्षक ने बताया कि हफ्ते में 3-4 दिन लगातार हो जाता है ये व्यायाम, क्योंकि ये व्यायाम शिक्षक है जो यहीं से बिलोंग करते हैं और अक्सर आया करते हैं विद्यालय, आप सिखाया करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए, ये विद्यालय में ही नहीं बल्कि बाहर ग्रामीण क्षेत्रों को भी सिखाया करते हैं व्यायाम। जो युवा है वो योगा को लेकर काफी सतर्क नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर ये भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं आज का जो युवा है वो मेंटल प्रेशर से गुजर रहा है, फिर चाहे वो पढ़ाई का हो, फिर चाहे कोई और प्रेशर हो, तो ऐसे में योगा कितना महत्वपूर्ण जो रोल है वो अदा करती है उनका मेंटल स्ट्रेस कम करने में, उनके एकाग्रता बनाने में योगा कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है? जी, आपको बता दूं कि मैं इस विषय पर भी बात चाहूंगा, यहाँ के प्रधानाचार्य जी, मैं इनसे बात करना चाहूंगा।
आप यहाँ के प्रधानाचार्य हैं, तो आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि जो है ये जो आज के दिन में जो युवक हैं, नौ युवक हैं, कहीं ना कहीं उनके पे प्रेशर होता है एक मेंटल तरीका का, हो कि पढ़ाई को लेकर हो या किसी भी विषय को लेकर हो, तो इस योगा के विषय में किस तरह से आप देखेंगे? नहीं, योगा में प्रेशर नहीं समझना चाहिए, प्रेशर मानते जरूर लोग हैं लेकिन प्रेशर नहीं होता है, इससे तो शरीर स्वस्थ होता है। व्यायाम जो है मनुष्य के मतलब जीवन की एक आवश्यक और महत्वपूर्ण पहलू है, और इसको प्रतिव्यक्ति को चाहे वो ग्रामीण हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, सभी को अपने अपने स्थान पे करना चाहिए, और ये प्रक्रिया निरंतर चलने वाली है, आज की नहीं है, बहुत प्राचीन काल से चलने वाली पद्धति है। हम प्रयास करते हैं, अपने विद्यालय में अपने टीचरों को प्रेरित करते हैं, छात्र छात्राओं को प्रेरित करते हैं कि योगासन में आओ, भाग लें और सीखें, अपने शरीर को स्वस्थ करें, निरोगी बनाएं। जी, आपने देखा मुस्कान से जिस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि जो वीडियो भी यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं, किस तरीके से जो अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, ये लगातार बताते रहते हैं, जिस तरीके से कहीं भी मिस्टेक होता है तो ये जाके स्वयं बच्चे को बता रहे हैं किस तरीके से बैठना चाहिए, किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरीके से व्यायाम करना चाहिए। जी मुस्कान, तो योग सिर्फ आज ही लोग मनाते हैं, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो योगा है वो अगर साल भर करेंगे तभी लोग इसको लेकर एक्टिव हो पाएंगे, तभी लोग इसकी समझ पाएंगे कि आखिर योग जो है वो लोगों के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, लोगों के फिटनेस को लेकर योग कितना महत्वपूर्ण है, तो लोग योग जो है वो डेली क्यों नहीं करते हैं? जी, इस पर हम बात करना चाहेंगे, व्यायाम शिक्षक से ही पूछना चाहेंगे कि आज ही के दिन योग दिवस क्यों मनाया जाता है और लोग इस पर प्रतिदिन क्यों व्यायाम नहीं कर सकते हैं, ऐसा क्या है? आज इसलिए मनाया जाता है कि 1914 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे विश्व को एक सुझाव दिया था योग के लिए, और उस सुझाव को पूरे विश्व ने माना, और 21 जून का कार्यक्रम रखा गया, 21 जून का दिन ही तय किया गया, तभी से ये अंतर्राष्ट्रीय योग मनाया जाने लगा। नहीं, तो इससे लोग डेली प्रतिदिन क्यों नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आज ही क्यों मना रहे हैं? नहीं, इसको प्रतिदिन कर सकते हैं, इसको प्रतिदिन किया जा सकता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में तो नहीं कर पाते हैं ना, जैसा कि आपको बताया ये गांव है, ग्रामीण क्षेत्र में किसानी से ताल्लुक रखते हैं, मजदूरी से लोग ताल्लुक रखते हैं, इस वजह से कुछ कारण है कि नियमित नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैंने देखा, मैं क्षेत्र में जाता हूँ, देखता हूँ कि सुबह सुबह गाँव में भी लोग योगा शुरू कर चुके हैं, सुबह 7 से जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसमें तो नियमित जाता हूँ, हमारा एक स्थान है मूसापुर में, वहाँ भी मैं जाता हूँ, सुबह करीब 50 से 60 लोग एकत्रित होते हैं, योगा करते हैं, तो अब लगभग हर गाँव में शुरू हो चुका है। जी मुस्कान, आपने देखा किस तरह के व्यायाम शिक्षक ने बताया कि 2014 में माननीय मोदी जी ने एक प्रस्ताव रखा था जो 3 महीने में ही 193 जो लोग 75 लोगों प्रदान किए इसको स्वीकार किया है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसको 21 जून को ही रखा गया कि जो है विश्व अंतर्राष्ट्रीय विश्व जो योगा दिवस है वो मनाया जाए। आज अगर देखा जाए तो इस वक्त आप योगा प्रशिक्षक के साथ मौजूद है, तो आप उनसे एक प्रश्न जरूर ले कि आजकल का जो युवा है वो अगर देखा जाए तो 70% ऐसा युवा है जो खाकर सो जाता है और जिनका मन चंचल रहता है, तो इन दोनों ही चीजों पर कंट्रोल करने के लिए ऐसा कौन सा योगा है जो यूथ कर सकता है? हम बिल्कुल बात करना चाहेंगे योगा शिक्षक से, आप बताइए जो आज की डेट में युवा है 70% कहीं ना कहीं विचलित हो जाता है और चंचल दिमाग का होता है, उस पर आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, जो चंचलता है, चंचलता को कंट्रोल करने के लिए भी योगा बहुत महत्वपूर्ण है, चंचल होना तो जरूरी है, चंचल मस्तिष्क से चंचलता आवश्यकता है बच्चों के लिए, चंचलता कोई गलत शब्द तो है नहीं, लेकिन कुछ लोग उसका गलत अर्थ निकालने लगते हैं उस चंचलता से, तो हम अपने इंद्रियों को वश में रखने के लिए योगा जरूर करें, योगा मुझे करना चाहिए, जिससे हमारा मस्तिष्क विकास भी होता है, हमारी सोच भी बढ़ती है और आगे हम तरक्की के मार्ग पे जा भी सकते हैं बीमारियों से। इसके लिए कौन सा योगा करना चाहिए? सबसे पहले प्रारंभ तो भस्त्रिका से शुरू करना चाहिए, ताकि हमारा शरीर, हमारा जो रक्त संचार है ये पूर्ण रूप से चुस्त दुरुस्त रहना चाहिए। जी मुस्कान, फिर आपने देखा कि जिस तरीके से बताया कि चंचल जो मन के युवक होते हैं जो किस तरीके से रहना चाहिए, तो मस्तिष्क सही रहता है। जी धन्यवाद अजय प्रताप, योग दिवस के मौके पर हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी और तमाम ऐसे प्रश्नों के उत्तर जनता तक पहुंचाने के लिए, जिनको कहीं ना कहीं जो लोगों में कंफ्यूजन थे कि आखिर वो कौन सा योग करे, कौन सा योग उनके
शरीर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए। तो योग दिवस पर लगातार जो लोग हैं वो योग करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो योग है वो अब लोगों के जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है, और जो लोग आज से पहले जागरूक नहीं थे वो भी आज जागरूक होते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि आपने लखनऊ से सुना, जिस तरह से हमारे संवाददाता विभांशु ने जब लोगों से बात की, जब स्पेशली जो महिलाएं हैं उनसे बात की, तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि वो आज से पहले जागरूक नहीं थी, लेकिन अब आज उन्होंने पहली बार योग किया है तो वो योग जरूर से जरूर करेंगी। तो आज अगर देखा जाए साफ तौर पर, तो साल 2015 से शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज अपना 8 साल मना रहा है, यानी कि एक 8 साल के लंबे सफर के दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने आज एक मुकाम हासिल कर लिया है। जो एक तरफ कोरोना काल को लेकर लोग 2 साल से खुले आसमान के नीचे लोगों के बीच बैठकर योग नहीं कर पा रहे थे, तो वैसे ही अब कोरोना की रफ्तार जिस तरह से धीमी पड़ी है, तो 2 साल बाद आज एक बार फिर लोग बड़े ही खुले मैदान में, खुले आसमान के नीचे लोगों के बीच योगा करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर भले ही उन्हें कुछ कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना पड़ा हो, लेकिन उसके बावजूद भी लोग भारी संख्या में मैदान में पहुंच रहे हैं, योग कर रहे हैं। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।